कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी, लोकसभा प्रत्याशियों और जिला कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक आज सुबह 11 बजे राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। दोपहर 12 बजे लोकसभा प्रत्याशियों की बैठक होगी, जिसके बाद दोपहर 2 बजे जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की भी बैठक होगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव और डॉक्टर अरुण उरांव रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव में मिली हार की इस बैठक में समीक्षा की जाएगी और साथ ही आगामी नगरीय निकाय और उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस की बैठकों का दौर जारी है और लगातार मैराथन बैठकें रायपुर में की जाएगी। और आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी, लोकसभा प्रत्याशी और जिला कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक आज है और इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे लाइव। हेमंत, आज रायपुर में लगातार बैठकों का मैराथन दौर जारी रहने वाला है, क्या कुछ अपडेट उसको लेकर आपके पास है? देखिए सरद, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक करारी हार मिली है, वो भी सरकार में रहते हुए 9 सीटें 11 में से उनको गंवानी पड़ी। सिर्फ 2 सीटें हैं, बस्तर और जांजगीर, कोरबा, माफ करिएगा कोरबा, ये दोनों सीटें कांग्रेस के पास आई, लेकिन 9 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और लगातार इस हार का मंथन किया जा रहा है। जिस तरीके से कल जो छत्तीसगढ़ प्रभारी है पीएल पुनिया, वो रायपुर पहुंचे और रायपुर पहुंचने के बाद सीधे वो सीएम हाउस गए और सीएम हाउस में तमाम जो विधायक हैं उनकी उन्होंने बैठक ली। उस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद थे, तमाम जो मंत्री हैं टीएन सिंह, शिव ढरिया, वो मौजूद थे और लगभग सभी विधायक उस बैठक में मौजूद थे। उस बैठक में ये चिंतन किया गया कि आखिरकार कांग्रेस को हार क्यों मिली, क्या कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया या किसी विधायक ने काम नहीं किया, ये सब चीजों को लेकर वहां पर चर्चा हुई। और उस चर्चा में ये निकलकर सामने आया था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था उसी के दम पर चुनाव जीता गया, क्योंकि जिस तरीके से कल बैठक के बाद टी सीधो ने भी इस बात पर जोर देते हुए कहा कि कैसे कांग्रेस की हार हुई छत्तीसगढ़ में, ये खुद पूरी कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस की हार आखिर कारण हुई क्या है, कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जिस तरीके से अगर बीजेपी जीतती है तो एक जश्न का माहौल होता है, लेकिन वो जश्न का माहौल यहाँ पर देखा नहीं गया। हालांकि वो उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए कि कारण ढूंढे जाएंगे, लेकिन अभी तक बैठक में वो कारण निकल कर सामने नहीं आए। उनका भी ये कहना था कि हार किस कारण हुई, इतनी बड़ी हार कैसे हुई, ये कोई अभी समझ नहीं पा रहा है। हालांकि आज फिर लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा। जो छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया है वो सबसे पहले जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसकी बैठक लेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी, उस बैठक में हार की समीक्षा तो होगी ही और इसके साथ ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनको अध्यक्ष बनाए जाने के लिए एक प्रस्ताव वहां पर पेश होगा और उसके बाद पेश होने के बाद उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। जिस तरह देखा जाए, हम बात करेंगे शनिवार की रात को जो पार्टी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और मुख्यमंत्री व पीसीसी चीफ भूपेश बघेल और मंत्रियों और पार्टी के विधायकों की बैठक हुई थी, उस बैठक को लेकर क्या कुछ निष्कर्ष सामने निकल कर आया? हालांकि आज दूसरा दिन बैठक का है, तो क्या कुछ लगता है शनिवार की बैठक को लेकर क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं उसको लेकर? देखिए कल जो विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री निवास में हुई उसमें सभी विधायकों से 1-to-1 बातचीत खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जो छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया है उन्होंने की। सभी से पूछा गया कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 9 सीटें क्यों गंवानी पड़ी, तो ये निष्कर्ष यहाँ पर निकल कर आया है कि जो मोदी का चेहरा था वो काफी प्रभावी है। और हालांकि सभी ने एक राय होकर कहा कि राज्य सरकार ने काम किया है, राज्य सरकार का विरोध नहीं था, लेकिन जो मोदी का चेहरा था वो काम कर गया। जो राष्ट्रवाद, जो तमाम चीजें यहाँ पर निकल कर सामने आई थी चुनाव के दौरान, वो चीजें भाजपा के पक्ष में गई और कांग्रेस के पक्ष में गई, इसी को लेकर हार
कांग्रेस की यहाँ पर हुई, हालांकि उचित कारण कल निकल कर नहीं आया है शरद, आज कोई कारण स्पष्ट हो सकता है, क्योंकि लगातार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, जिला अध्यक्षों की बैठक, लोकसभा जो उम्मीदवार हैं उनकी बैठक यहाँ पर होनी है, सभी से लोकसभा प्रत्याशियों से भी पूछा जाएगा कि आपके क्षेत्र में किसने काम नहीं किया, किसने काम किया, तो कई चौंकाने वाले नाम इसमें शामिल आएंगे, क्योंकि चुनाव के समय ही हमने देखा तक था कि कांग्रेस के नेताओं ने ही लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में काम नहीं किया है, ये अक्सर कांग्रेस में देखा जाता रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर कांग्रेस लड़ी और एक बड़ी जीत मिली थी, लेकिन फिर लोकसभा चुनाव में जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उन्होंने कहीं ना कहीं दगाबाजी प्रत्याशियों से की है, ये बात आज खुलकर सामने आ सकती है, क्योंकि लोकसभा प्रत्याशियों की बैठक यहाँ पर होगी, वन टू वन चर्चा पीएल पुनिया उनसे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसने वहां पर काम किया, क्या हार का कारण है और क्या वजह थी कि इतनी बड़ी हार कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में मिली। हेमंत, जिस तरह देखा जाए कि यहाँ पर लगातार बैठकों का दौर जारी है, सुबह 11 बजे प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, 12 बजे लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी जो है जो हार चुके हैं उनके साथ भी एक बैठक की जाने वाली है, और साथ में दोपहर 2 बजे जिला और शहर के अध्यक्षों के बीच भी बैठक होगी। तो लगातार बैठकों का एक अचानक से होना, और साथ में जिस तरह आपने बताया कि वन टू वन चर्चा भी की जाएगी और साथ में हार की समीक्षा की जाएगी, जिसमें जो कहां पर गिरावट हुई है, कहां पर वोट प्रतिशत कांग्रेस को कम मिला, उस पर भी चर्चा की जाएगी, तो एक साथ ये बैठक रखने का क्या मकसद रहा है? क्योंकि पीएल पुनिया जाहिर सी बात है प्रदेश प्रभारी और रायपुर आए हुए हैं, तो क्या कुछ इसके सियासी समीकरण सामने आ सकते हैं आगे जाके? देखिए सर, जिस तरीके से हार कांग्रेस को मिली है तो स्वाभाविक है कि उसकी समीक्षा तो होगी ही, इसीलिए अलग अलग संगठनों से, अलग अलग पदाधिकारियों से बातचीत पीएल पुनिया कर रहे हैं, और बातचीत करने का उद्देश्य भी है कि अलग अलग लोगों से पता चले कि हार का आखिरकार कारण क्या था। और जिस तरीके से वो कल रायपुर पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस संगठन की बैठक होना स्वाभाविक है, एक प्रक्रिया है, क्योंकि हमारी हार हुई है, उस हार की समीक्षा जरूर होगी। इसी के चलते ये बैठक, तमाम जो बैठक है लगातार, चाहे जिलाध्यक्ष की हो, चाहे लोकसभा प्रत्याशी की हो, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी की हो, सभी की इसी के चलते यहाँ पर बैठक हो रही है। और इसके अलावा कल जिस तरीके से बात निकलकर सामने आई थी कि मंत्रियों का जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर भी समीक्षा हो सकती है, तो निश्चित तौर पर जो छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया है वो अलग से इस मसले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा कर सकते हैं। ये हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसको लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा कर सकते हैं। कल एक अटकले भी ये लगाई जा रही थी कि मंत्रियों का जो प्रभार है वो बदला जा सकता है, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये हर तरह के कयास में लगाए जा रहे हैं। और आज जो जिलाध्यक्षों की बैठक होने वाली है वो भी काफी महत्वपूर्ण होगी। जिस तरह देखा जाए कि अभी पीएम पुनिया और सीएम भूपेश बघेल ने अपने कार्यकर्ताओं को काम पर ध्यान देने की भी सलाह दी है, और साथ में निर्देश दिया है कि वो अपने कामकाज में ज्यादा गहराई से जुटे, और साथ में एक चीज और निकलकर सामने आई कि उन्होंने बयानबाजी पर रोक लगाने की भी बात की है, तो क्या इसको लेकर आपका एक नजर इस बारे में क्या कहना है? देखिए निश्चित तौर पर एक बड़ा कारण कांग्रेस की हार का यही है कि लगातार एक तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनको टारगेट किया गया था, चाहे राहुल गांधी की बात की जाए, चाहे तमाम कांग्रेस का पार्टी की बात की जाए, सीधे नरेंद्र मोदी ही निशाने पर थे। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम जगहों पर चुनाव प्रचार किया था, उन्होंने भी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, तो सीधा निशाना प्रधानमंत्री पर साधा गया तो इसका नुकसान कांग्रेस को भरपूर हुआ। जिस तरीके से रिजल्ट निकल कर सामने आया, एक बड़ी क्षति इससे कांग्रेस को हुई है। कांग्रेस इससे उभरने की कोशिश जरूर कर रही है लेकिन उभर अभी तक नहीं पाई है, और तमाम ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस को माइनस दे गई। इसी के चलते तमाम जो प्रवक्ता हैं उसको हर चीजों पर बोलने से मना किया गया है। जैसे वही कुछ दिन पहले ये निर्देश जारी हुआ कि कोई भी टीवी डिबेट में कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो नहीं जाएंगे, और इसका पालन अभी किया जा रहा है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका सीधा सा नुकसान कांग्रेस को हुआ था, तो इसी के चलते ये तमाम जो निर्देश है वो दिए गए थे। और सीधे तौर पर अगर कल की बैठक में बात की जाए तो विधायकों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि आप अपने जो क्षेत्र है उसमें आप काम करें, क्योंकि अंत में नगरीय निकाय का चुनाव होना है। अगर नगरीय निकाय में सरकार
या कांग्रेस किसी भी तरीके से पिछड़ती है तो सीधे तौर पर सरकार के कामकाज पर एक बड़ा सवाल उठने लगेगा। जाहिर सी बात है हेमंत, एक तरफ से देखा जाए तो 11 लोकसभा सीट की जीत का दावा करने वाली कांग्रेस को पास महज एक सीट मिली और उसको लेकर अब दो दिवसीय जो इनकी बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत इस तमाम जानकारी के लिए, आप आज होने वाली बैठकों पर